मैं आपको दिखा दूं पहले ये फोन, ये कलर काफी बेहतरीन इसका, जैसे कि क्वालिटी आप देख सकते हैं, कैमरा की काफी बेहतरीन है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मैंने इसे जूम किया, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन कॉस्मो। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो लाया हूं, जिसमें कि मैं वीवो का T3 मोबाइल जो है जिसे अनबॉक्स करूंगा। और ये देखिए मेरे सामने ये बॉक्स हो गया, जैसे कि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी और ये ओपन बॉक्स डिलीवरी हो चुका है। तो मैं एक बार आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए डिलीवरी भैया मेरे सामने बैठे हुए हैं और ये बॉक्स को खोल रहे हैं। अंदर से फ़ोन निकाला इन्होंने और इसे अब अनबॉक्स करके दिखाएंगे मुझे। तो शायद सबसे पहले ये इसे स्कैन करके शो करेंगे कि फ़ोन डिलीवरी हो रहा है। स्कैन करने के बाद ये देखिए इन्होंने बॉक्स खोला और अब ये देखिए फ़ोन निकाल रहे अंदर से। ये इन्होंने फ़ोन निकाला और इसे भी ऑन करके शायद ये इनका फ़ोटो लेंगे, ऑन करेंगे ना। तो इसके अंदर से और भी जो जो सामान है वो सब कुछ अवेलेबल है, वो चेक कर लेते हैं। और ये देखिए फ़ोन को ऑन कर रहे हैं, इन्होंने चेक कर लिया कि चार्जर और केबल, डाटा केबल ये सब अवेलेबल है। अब ये फ़ोन कौन करेंगे और उसके फ़ोटो लेंगे। मैं आपको दिखा दूँ, ये चार्ज देखिए फास्ट फ्लैश चार्जर है 44 वाट के साथ। पूरे डिटेल्स मैं दिखाऊंगा अच्छे से आपको बाद में। अब आइए फ़ोन को देखते हैं। ये देखिए इन्होंने फ़ोन को ऑन किया, वीवो 5G एंड्रॉयड, और ऑन होने के बाद ये इसकी फ़ोटो लेंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ पहले ये फ़ोन, ये कलर काफ़ी बेहतरीन इसका, जैसा कि ऑर्डर किया था बिल्कुल सेम आया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये फ़ोन कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा ज़रूर। अब ये इसकी फ़ोटो लेंगे। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, ये बॉक्स खुल चुका है और मैं आप लोगों के सामने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन। और यहाँ पर मैं आपको पीछे डिटेल्स इसका दिखा दूँ। ये देखिए इसका मॉडल नंबर हो गया V2334 और इसमें रैम आपको 8 GB मिलने वाला है और रोम 128 GB का। कलर आप जैसा कि देख सकते हैं क्रिस्टल फ्लैग कलर यहाँ पर दिया गया है। बाकी और भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जो किसी कि आप बाद में अपने रीड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और डिटेल्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दिखा दूँ 5G मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 5G प्लेटफॉर्म पे ये पैडेड है और इसमें सोनी OIS एंटी सेक कैमरा इसमें भी अवेलेबल है और इसमें 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश AMOLED डिस्प्ले के साथ और डुअल स्टेरो स्पीकर के साथ मिलता है। अब मैं बॉक्स को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर का फ़ोन का डिज़ाइन और इसकी कैपेबिलिटी कैसे होने वाली है। वैसे मैं इसे अनबॉक्स ओपन बॉक्स डिलीवरी में तो दिखा ही चुका हूँ, पर यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में कुछ दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए मैं फ़ोन को बाहर निकालता हूँ, इस पैकेट को मैंने वापस पैकेट में सब कुछ डाला था आपको दिखाने के लिए। और इसके अंदर सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये फ़ोन हो गया और इसमें आपको 3 कैमरा यहाँ पर मिलता है और एक फ्लैश लाइट मिलता है। यहाँ पर फ्रंट में आपको यहाँ एक कैमरा मिलने वाला है और यहाँ वीवो का एक लोगो मिलने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे आपका पावर बटन हो गया, ये ऊपर दोनों वॉल्यूम बटन हो गया आपको, फिर नीचे में आपको यहाँ सिम इजेक्टर मिलने वाला है और यहाँ पर USB चार्जिंग के पोर्ट और ये आपका स्पीकर हो गया। जैसा कि इसमें बताया गया था डुअल स्टेरो स्पीकर है, तो एक स्पीकर यहाँ हो गया और दूसरा स्पीकर आपका ये जो ऊपर वाला होता है जिससे आप बात करने के लिए भी काम में आता है, ये यहाँ पर काम करता है। इस तरह से स्टेरो स्पीकर दोनों काम करता है। अब मैं आपको डिटेल्स में कुछ और दिखाता हूँ कि इस बॉक्स में क्या क्या मुझे मिला है। तो मैं यहाँ से अब ये एक फ़ोन केस मिला है और इसके साथ मुझे एक केबल मिल रहा है, सी टाइप केबल हो गया। मैं इसे भी खोल के दिखा देता हूँ इसकी लेंथ क्या होगी। तो इसकी लेंथ लगभग ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी लेंथ करीब करीब 1 मीटर की इसकी लेंथ है। और इसके साथ मुझे एक पावर एडेप्टर जो मिलता है जो कि 44 वाट का, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ होगा फास्ट चार्ज के साथ 44 वाट का आपको एक एडेप्टर मिलता है। अब मैं बॉक्स को साइड कर देता हूँ, बॉक्स को मैं साइड करके आपको फ़ोन ऑन करके मैं डिटेल्स इसका दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैंने फ़ोन को ऑन किया, स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से इंडिया ऑप्शन है तो उसे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। इंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट और ये सब आपको कन्फर्म करना होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना होगा। यहाँ से नेटवर्क सर्चिंग ले रहा है जो कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। सेट अप ऑफलाइन ये हो गया, यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है मैंने इसे स्किप किया। यहाँ कुछ कुछ गूगल सर्विसेज की दिए गए हैं तो इसे मैं आपको एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। फिंगरप्रिंट वगैरह लॉक वगैरह यहाँ पर मांगा गया तो उसे मैं बाद में सेट करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसे स्किप करता हूँ। ये देखिए यहाँ स्किप बटन हो गया, इसे मैं स्किप। सेंड यूजर्स एंड डायग्नोस्टिक डाटा, तो इसे एग्री करना होगा आपको। इसे एग्री करने के बाद नेक्स्ट, फिर आपको नेक्स्ट करना होगा।
इस तरह से मेरा फोन अब फाइनली ऑन होने वाला। आपको स्क्रीन किस पैटर्न में रखना है, 3 बटन नेविगेशन के साथ या 4 नेविगेशन के साथ, तो मैं बटन नेविगेशन के साथ ही इसे यूज करना चाहता हूँ फिलहाल, तो इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इसी जगह पे। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन फोन टच ओएस के साथ चुका है, तो मैं इसे अब स्टार्ट कर देता हूँ। तो फाइनली मेरा फोन बिल्कुल ऑन हो चुका है आपके सामने, मैंने इसे ऑन किया। कुछ ऐप्स वगैरह इसमें जो जो होगा वो इनबिल्ट होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी स्क्रीन काफ़ी फास्ट है, जैसा कि मैंने बताया 120 हर्ट्ज इसकी स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो बिल्कुल सही है, इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है। कैमरा मैं क्वालिटी में आपको दिखाने वाला हूँ एक बार, और यहाँ देखिए मैं इसे कैमरा इस खोल के दिखाता हूँ। तो मैंने कैमरा खोला, इसे कुछ एग्री करना होगा तो इसे मैं भी एग्री कर देता हूँ। क्वालिटी आप देख सकते हैं कैमरा की काफ़ी बेहतरीन है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मैंने इसे जूम किया, आप देख सकते हैं जूमिंग भी काफ़ी अच्छा क्लियर इसमें शो कर रहा है। ये देखिए कितनी छोटे छोटे वर्ड में लिखा हुआ था, मैंने इसे जूम किया और बिल्कुल अच्छे से पढ़ सक रहा है। इसकी कैमरा काफ़ी अच्छी लगी मुझे। फ़ोन सबसे ज़्यादा अभी तो ज़्यादा लोग कैमरे के लिए यूज़ करते हैं, तो ये देखिए इसमें नाइट मोड मिलेगा आपको एक, फिर पोर्ट्रेट मोड मिलेगा, ये हो गया पोर्ट्रेट मोड, पीछे का सीन ब्लर हो गया पूरी तरह से, और ये फोटो मोड हो गया नॉर्मल, ये वीडियो मोड हो गया, वीडियो भी मोड भी काफ़ी क्लियर है। मैं इसे भी दिखा देता हूँ एक बार जूम करके कि इसकी क्वालिटी कैसी है कैमरे की, तो ठीक है आज काफ़ी अच्छी है ये देखिए। और यहाँ पर कुछ मोर का ऑप्शन है, तो यहाँ मैं मोर का ऑप्शन दिखा देता हूँ। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो 50 मेगापिक्सल मैक्सिमम इसमें जाएगा। पनोरमा मोड हो गया, डॉक्यूमेंट्स मोड हो गया, इस तरह से और कुछ कुछ स्लो टाइम लैप्स, इस तरह से बहुत सारे मोड्स हैं इसमें आपको, आप भी देखना। लाइव फोटो का भी एक इसमें मोड दिया गया, डुअल व्यू का भी मोड दिया गया। डुअल व्यू में जैसा कि आप जानते होंगे कि इसमें बैक और फ्रंट कैमरा दोनों एक साथ आप व्यू करके फोटो ले सकते हो या फिर कैमरा का वीडियो का यूज़ कर सकते हो। ये हो गया, मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स हो गए, जिसमें कि आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिलता है, ग्रिड लाइंस का, लेवल का, सेक रस, ये आप यूज़ करके आप वीडियो में इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे वीडियो में ऑन कीजिएगा, सेटिंग में जाइएगा और एंटी सेक यूज़ करने के बाद क्या होगा कि आपका जो सेक होता है, ये देखिए कैमरा जो इधर उधर सेक करने पर आप बहुत ज़्यादा हिलता होगा, तो वो इसमें नहीं होगा, ये इसमें अच्छा दिया गया। इस तरह से मैंने कैमरा कुछ कुछ डिटेल्स आपको दिखा दिया। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है प्राइमरी कैमरा, उसके साथ आपको 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलने वाला है। यहाँ आपको फ्लैश लाइट मिलता है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है आपको, तो फ्रंट का भी कैमरा मैं एक बार ऑन करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए मैंने फ्रंट का कैमरा ऑन किया, अभी मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया, तो फ्रंट का भी कैमरा काफ़ी अच्छा है, नॉर्मली ठीक है, और बाकी लाइट्स पर भी थोड़ा डिपेंड करता है, अगर लाइट्स अच्छा हो तो फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ कुछ कुछ मोड्स दिया गया ब्यूटी का, वो सब आपको सेट करना होगा। यहाँ से मैं इसे बैक कर देता हूँ। तो फाइनली आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको भी ये फ़ोन ऑर्डर करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और ये मैंने 18,000 के आसपास में मिल गया, जिसका कि प्राइस 20,000 था, पर मुझे 18,000 तक में करीब करीब मुझे मिल गया। तो आपको भी अगर ऑर्डर करना हो कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको फ़ोन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।